वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल की और एक वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसमें हम फ्लैश फिल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फ्लैश फिल एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। अगर आप लंबी लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये आपके काम को आप बहुत सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे इसको, कई एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं आपको दिखाने के लिए इस फंक्शन की यूटिलिटी। ये आपके होम टैब में लास्ट में आप एडिटिंग में जाएंगे तो फिल के अंदर आपको ये दिखता है, फ्लैश फिल सबसे नीचे। और इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल ई करके है हमारे पास। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है। जनरली हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। अभी किस तरीके से हमारे काम को आसान करता है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कनेक्टिंग सेल टेक्स्ट का, जिसमें हमारे पास अगर हमारे एम्प्लॉयज़ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहीं लिखा हुआ है और हम उस नाम को पूरा जोड़ना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, तो कॉन्कैटिनेशन और अदर फंक्शंस भी हैं। लेकिन आप देखिए फ्लैश फिल से कितना आसान हो जाता है। आपको सिंपली पहले सेल में कोई इक्वल टू नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको सिर्फ सिर्फ वहाँ पर वो फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देना है जैसा आप चाहते हैं रिजल्ट। और ये टाइप कर दिया आपने, और उसके बाद आप पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे हजारों में, लाखों में, कितनी भी हो, और कंट्रोल ई करके फंक्शन दबा दीजिए। कंट्रोल ई प्रेस किया तो देखिए पूरी लिस्ट आपकी तैयार हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है स्प्लिटिंग टेक्स्ट का, जिसमें देखिए हमारे पास एम्प्लॉय का पूरा नाम है लेकिन हम उसमें से फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं या फिर लास्ट नेम निकालना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, बस इतना काम है। लिखने के बाद हमने सेल नीचे तक अपनी पूरी सेलेक्ट करी, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। देखिए सारे फर्स्ट नेम निकल आए। लास्ट नेम आपने लास्ट नेम टाइप कर दिया पहले एम्प्लॉय का, पहले एम्प्लॉय का लास्ट नेम टाइप किया और शिफ्ट करके अगर आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आपका लास्ट नेम आ गया। अब आपको ईमेल आईडीज जनरेट करनी है, नए एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है और आप उसका ईमेल आईडीज बना रहे हैं। पहले वाले का हम बना देते हैं mohan.verma@gmail.com, या आपकी कंपनी की जो भी ईमेल आईडीज है उसके हिसाब से आपने इसको बना दिया। और उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एम्प्लॉय का आपने बना दिया, शिफ्ट करके आप पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, हजारों लाखों जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके, और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए पूरे। देखिए ये आपका ईमेल जो लिस्ट है पूरी वो आपकी तैयार हो गई यहाँ पर। अब आपको मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज के इनिशियल्स लिखना है, पहले नाम, पहला और लास्ट नाम के पहले लेटर्स, तो आपने यहाँ पर एम के ऐसे लिख दिया, सॉरी एम वी, मोहन वर्मा है तो एम वी लिख दिया आपने। और अब आप चाहते हैं ये इनिशियल्स पूरी जगह कॉपी हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपने एम वी लिखा, आप पूरी लिस्ट अब अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इसने इनिशियल्स नंदन तिवारी का NT, मनीष साहू का MS, इसने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से हम बड़ी लिस्ट का काम सिंपली पहला टाइप किया आपने, उसके बाद एक्सेल अपनी इंटेलिजेंस लगा के समझ लेता है कि उसको क्या करना है और वो पूरी की पूरी लिस्ट में वो चीज़ रिपीट कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, और आप इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन है फ्लैश फिल का, फ्लैश फिल पार्ट टू में हम इसके और डिटेल्स में कुछ चीज़ें और फंक्शनैलिटीज देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।